हे गाइस, हाउ यू हो, क्या बच्चे होंगे गाइस। एक ऐसा फील्ड जिसमें कम से कम 3 से 4 लाख वैकेंसीज निकलने वाली हैं, और इसमें जो कोर इंजीनियर्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सबसे ज़्यादा इनका जो सिलेक्शन होना है वो होने वाला है। और सबसे ज़्यादा मैं बता दूँ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की इसमें जॉब मिलेगी। तो नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार चैनल पर नया, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। गाइज, अगर हम बात कर लें वो कौन सा सेक्टर है जिसमें मैं बात कर रहा हूँ इतनी बड़ी वैकेंसी की। अब इतनी बड़ी वैकेंसी है तो कोई नॉर्मल सा सेक्टर तो होगा नहीं। मैं बात करूँ, सबसे पहले मैं बात करूँगा, देखो मैं बार बार इस सेक्टर की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत में एक नया सेक्टर स्टार्ट हुआ है जिसमें सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी बड़े लेवल पे हो रहा है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री काफ़ी बूम कर जाएगी गाइस, और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी 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 बड़े लेवल पे होने वाला है। गाइस, इससे जो इंडस्ट्री में जो कोर इंजीनियर्स हैं ना, उनको बहुत सारे कोर इंजीनियर्स को जॉब मिलेगी। इतने इंजीनियर्स अवेलेबल नहीं है, L&T कंपनी हो गया, कुछ और भी कंपनियां हैं, 66,000 इंजीनियर की ज़रूरत है, उतने इंजीनियर अवेलेबल नहीं है। क्वालिटी इंजीनियर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे नॉन क्वालिटी इंजीनियर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्वालिटी इंजीनियर अवेलेबल नहीं है। कंपनियां रिक्रूटमेंट करना चाह रहे हैं, L&T जैसी कंपनियां और सारी कंपनियां मैं बता दूँ रिक्रूटमेंट करना चाह रही हैं सेमीकंडक्टर फील्ड में, लोग अवेलेबल नहीं है। आप ट्राई करो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में जाने के लिए, वहाँ पे लोग इतने मिल नहीं पा रहे हैं जितनी ज़रूरत है गाइज। आप उस फील्ड में जाने के लिए ट्राई करो, उस फील्ड में आप जाओगे तो कहीं ना कहीं आपका करियर नेक्स्ट लेवल पे जाएगा गाइज। और ये बहुत ग्रोइंग फील्ड है, आने वाले टाइम में आपका सैलरी पैकेज भी अच्छा होगा, आपके लिए सुविधाएँ भी काफ़ी अच्छी इस फील्ड में, और आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो इस फील्ड में। गाइज, अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हो, इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हो, तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया करियर ऑप्शन है ये फील्ड। सोच समझ के आप इस फील्ड में करियर बनाओ, सोच समझ करके इस फील्ड में जाओ, और ये फील्ड कहीं ना कहीं मैं बता दूँ टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए है। क्योंकि अभी तक हम CSC के लिए परेशान थे कि भाई CSC में ही जॉब है, CSC में ही जॉब है। अगर 3-4 लाख निकल गई वैकेंसी ना, तो कहीं ना कहीं हंगामा मच जाएगा गाइज। इतना बड़ा अनाउंसमेंट और इतनी बड़ी वैकेंसी, शायद इतने लोग, जितने लोग 6-7 सालों से जॉब नहीं मिल रही, सारे लोग एक साथ समा जाएंगे, और मतलब उतने लोग अवेलेबल भी नहीं हो पाएंगे। BTech पॉलिटेक्निक सारे लोगों को एक साथ इतने बड़े जॉब ऑफर मिलेंगे, और सोचो ना यहाँ पे सैलरी भी होगी, सब कुछ होगा। तो गाइज मैं बोल रहा हूँ ना, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में जाने के लिए आप अपना रिज्यूमे, बायोडाटा, स्किल, सब पे जो जो चाहिए उस पे काम करो। क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे जा सकते हैं, क्या चीज़ें हमें चाहिए, उन सारी चीज़ों पे काम करिए। और ख़ास करके पॉलिटेक्निक वालों के लिए वहाँ पे 20 से 25 हज़ार रुपये की जॉब एकदम रखी हुई है, आपको जा करके इंटरव्यू देना है और वहाँ पे आपका सिलेक्शन है गाइस। बस आपको सीखिए बेसिक, थोड़ा सा बेसिक से ज़्यादा चीज़ें सीख जाओगे, आपका वहाँ सिलेक्शन है। एडवांस बहुत ज़्यादा तो BTech वालों को सीखना है, डिप्लोमा वालों को बहुत एडवांस, डिप्लोमा वाले वहाँ जाएंगे, वहाँ ट्रेनिंग होगी डिप्लोमा वालों की। गाइस मेरा काम था आपको बताना, और आपका काम उस पर काम करना। वीडियो में इतना ही, जो लोग टेलीग्राम पर वहाँ भी जाकर ज्वाइन करें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।